हरिद्वार नज़ारा हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज इस सरगम ब्लॉग में। वैसे फ़िलहाल तो आप सभी ठीक होंगे और अच्छे रहने चाहिए। आज हम हरिद्वार आए हैं गंगा स्नान के लिए। मैं हूँ और मेरे भाई है बड़े और मेरे दोस्त हैं साथ में। वो सामने जाकर रूम ले रखा है जहाँ कपड़े फैल रहा है, इसे रूम में ले रखा है हमने। और हम चार लोग हैं, हमारे पास सिर्फ डिज़ायर गाड़ी है। और गाइस, पानी जो है जल गंगा का बहुत ही ज़्यादा मैला आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, इसलिए बहुत पानी मैला आ रहा है। तो नहाने की इच्छा कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। चलो जब आए गंगा का नाम पे नहाएंगे जरूर, चाहे मैला आ रहा है चाहे कुछ भी आ रहा है, फिर भी गंगा तो गंगा ही होती है ना। और हम नहाएंगे, अब बहुत ही चिल्ड पानी है, जल मतलब कि मेरे मुझे सॉरी जल बहुत ही ठंडा है। नहाते नहाते कूल हो जाएंगे। और जब भी आप कभी हरिद्वार आओ तो गंगा जरूर नहा के जाओ, ऐसा भी से नहीं देना है मेरा। इस टाइम तो खैर काफ़ी गर्मी हो रही है। बाहर रोड ये देखो गाइस, बाहर रोड है इधर की तरफ, ये रास्ता है बाहर के लिए। देखिए गाइस, मैं कितनी ऊंची ऊपर खड़ा हूँ, मतलब गंगा के। ये देखिए पीछे का नज़ारा, देखिए गाइस कितना सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, नीचे गंगा चल रही है, हम ऊपर बैठे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ। शाम को जब बैठते हैं ना बहुत ही आनंद आता है। और गाइस, यहाँ बैठने के बाद ठंडी सुन हवा लगती है, और जब शाम को आरती होती है तो यहाँ से उठने का मन नहीं करता है। आरती में बहुत ही अच्छा मन लगता है हरिद्वार में, बहुत ही ज़्यादा। गाइस, अब ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके बाय।